फतेहपुर सीकरी में एक बार फिर मुकाबला बेहद टाइट हो गया है। यहां रामनाथ सिकरवार जो अब तक करीब 8000 के आसपास वोटों से पीछे थे, अब वो महज 3900 वोटों से पीछे रह गए हैं। यानी मुकाबला बहुत नेक टू नेक है, बेहद कड़ा मुकाबला फतेहपुर सीकरी में, और हर राउंड में उलटफेर होता दिखता है। कभी रामनाथ सिकरवार आगे हो जाते हैं, कभी बीजेपी के राजकुमार चार आगे हो जाते हैं। तो रामनाथ सिकरवार ने बड़ी चुनौती दी है बीजेपी प्रत्याशी को, और इस तरह होगा ऐसा कोई सोचा नहीं था, क्योंकि राजकुमार चार बड़े नेता माने जाते हैं। पिछली बार करीब 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी राजकुमार चार ने। उसके बाद इन्हें किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और उसी के तहत इनको जो इनका जो इनकी लोकप्रियता बढ़ी थी वो पूरे देश में एक छवि बनी थी, उसी को ये नाते इनको जो है फिर से उम्मीदवार बनाया गया फतेहपुर सीकरी में। लेकिन रामनाथ सिकरवार जो कि सेना से रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड फौजी हैं और फौजी बाबा के नाम से मशहूर है, कहा जाता है कि अपने एक मंदिर में रहते हैं, घर बार इन्होंने समाज सेवा के लिए छोड़ रखा है, तो उसी का परिणाम सामने आ रहा है कि 24 घंटे सेवा में जुटे रामनाथ सिकरवार निश्चित रूप से कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं राजकुमार चाहर को। यानी एक तरफ जहां आगरा में एसपी सिंह बघेल एक तरफा जीत दर्ज करने की ओर आगे बढ़ चले, वहीं पड़ोसी यानी आगरा जनपद की ही फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर कड़ी टक्कर मिल रही है राजकुमार चाहर को, और यहां रामनाथ सिकरवार नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है, अभी कोई नहीं इस बात को लेकर के यकीन कर सकता कि आखिर कौन जीतेगा फतेहपुर सीकरी। लेकिन अभी की जो स्थिति है, यानी करीब इस समय जो है 2 बजने वाले हैं, और 2 बजे के आसपास की स्थिति यही है कि रामनाथ सिकरवार पीछे हैं, लेकिन जो पीछे होने का अंतर है वो कम हो चुका है। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।